वेलकम बैक दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एड्स एंड लोडिंग के बारे में। एड्स एंड लोडिंग का जो है आज मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप एड्स एंड लोडिंग कर सकते हैं, और मैं जो है आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। और ये आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि अगर आपके पास पेमेंट रिसीव साइट है तो किस तरीके से आपने जो है नोटिस करना है कि आपका जो वर्क कर रहे हैं तो उस पर क्या इनवैलिड लगने के चांस तो नहीं है। और जो है नया तरीका भी आपको बताता हूँ। तो पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जो है दिखाया था कि अपनी अन अप्रूव साइट पे किस तरीके से ऐड चला सकते हैं, तो वो वीडियो भी बड़ी आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साइट है, एक अप्रूव और एक अन अप्रूव साइट है, तो वो आप वीडियो देख के उस पर भी ऐड चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एडसन लोडिंग का शौक है तो आप हमसे कोर्स भी बाय कर सकते हैं, और अगर आपको जो है अपने कंप्यूटर में सेटिंग नहीं करनी आ रही तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। कुछ चार्जेस पे करके आप अपने कंप्यूटर पर सेटिंग करवा के खुद भी आप अपना सेटअप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्स। तो ये दोस्तों मैं अपने जो है एक एडसन्स के जो है डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और आपको इस पर रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं जो टू डे की अर्निंग है वो $175 है, और यस्टरडे जो है $226 रनिंग हुई है, और इस महीने की पूरी बात की जाए तो $500 जो है अर्निंग हो चुकी है। तो अब मैं अगर यस्टरडे पे क्लिक करूँ तो हमारे जो है कल व्यू आए थे पेज 581 पेज व्यू, और मुझे जो CPC मिली थी वो तकरीबन $6 की मिली थी। टोटल 37 क्लिक हुए और $226 हुए हैं। और अगर मैं टू डे पे क्लिक करूं तो अभी तक जो है 22 क्लिक हुए हैं और $175 अर्निंग हो चुके हैं। और आज की जो मेरी CPC है वो तकरीबन $8 है, कल $6 तक थी, तो आज मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आप जो है दोस्तों लोडिंग तो आप भी करते होंगे, आपको भी अच्छी अच्छी CPC मिलती रही होगी, लेकिन आपको इनवैलिड लग गया होगा। तो इनवैलिड का क्या चांस होता है? अब दोस्तों आप यहाँ पर आके फोकस करें कि बैलेंस में मेरे जो है ना टोटल $35 पड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखें टू डे सिर्फ $175 है, तो ये क्या गेम है? दोस्तों अगर आप लोडिंग करते हैं तो लोडिंग का जो है असूल है कि आप जिस मंथ अर्निंग करते हैं तो उससे अगला महीना जो है आपको छोड़ देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इनवैलिड लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो इस महीने जो उससे पहले जो है मैंने $66 बनाए थे, उसके बाद जो है सिर्फ $35 बनाए क्योंकि उस पर कटिंग हो रही थी। अब इस महीने जो हमारा टारगेट है वो तकरीबन है $3,000 से $4,000। हमारी कोशिश होगी कि हम $3,000 से ज़्यादा बनाएँ, तो ये परफॉर्मेंस जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जो हमारा सिर्फ आज का टारगेट है ना वो $500 तक है, और $500 आसानी से हो जाएंगे। अभी तो सुबह के जो है ना 5-7 बजे हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि इनवैलिड से कैसे बचा जाए। दोस्तों अगर आप जिस तरीके से भी वर्क कर रहे हैं तो वर्क का तरीकाकार ये है कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपने 5 क्लिक किए हैं और उनमें से 3 क्लिक काउंट हुए हैं, तो फिर जो है आपको इनवैलिड लगने के चांस हैं। फिर या तो आप अपना जो ट्रिक है उसको सिक्योर करें, या फिर आपने जो है उस अकाउंट को छोड़ देना है, क्योंकि गूगल जब ट्रैक करने लगता है ना तो वो इसी तरीके से पहले ट्रैक करता है कि कुछ इनवैलिड एक्टिविटी काउंटिंग शुरू कर देता है। फिर अगर आप लगातार भी उसी तरीके से एक्टिविटी देते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका इनवैलिड लग सकता है। अब जो है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब तरीके जो हैं काफ़ी ज़्यादा है वर्क करने के। जो इस टाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है Dolphin NT। Dolphin NT के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक जो है एंटी सिक्योर ब्राउज़र है, और इसकी जो है आप प्रोफाइल क्रिएट करके जो है वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको जो है इसके फ़ीचर दिखाता हूँ कि इसके क्या क्या ख़ास फ़ीचर हैं और आप इनसे जो है कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने जो है एडसन लोडिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको जो है इससे अच्छा कोर्स चाहिए तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है इस ब्राउज़र की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ब्राउज़र ओपन हो रहा है। हमारा जो है दोस्तों ब्राउज़र ओपन हो के आ चुका है। इस ब्राउज़र का जो तरीकाकार ये है कि इस ब्राउज़र को जो है आपने लॉगिन करना होता है। इसका अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जो है गूगल से जाके इसका आसानी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ Dolphin NT के नाम से। जैसे ही आप Dolphin NT सर्च करेंगे तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है Dolphin/NT। यहाँ पे आके आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है और ईमेल और पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेना है। आपकी ईमेल पे एक मेल आएगी, आप मेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और फिर जो है आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होती हैं, और प्रोफाइल्स क्रिएट करके आपने जो है वर्क करना होता है। अब ये 3 प्रोफाइल मैंने क्रिएट की हुई है, मैं इनको अभी डिलीट कर देता हूँ।
मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोफाइल जो है अभी डिलीट हो चुके हैं। अब जो है दोस्तों क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप विंडोज़ की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, विंडोज़ 11 की, मैक या लिनक्स। तो जो बेसिक तरीका का ये होता है कि आपकी जो अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक है विंडोज़ या लिनक्स की, तो आपने जो है विंडो सेलेक्ट करना है और जो ख़ास है ना वो विंडो और लिनक्स हैं। ज़्यादातर आपने विंडो यूज़ करनी है और लिनक्स बिल्कुल काम करनी है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि आप जो है गूगल पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो इसको आप नॉन रहने दें। उसके बाद जो सबसे तीसरा और अहम ऑप्शन है वो है प्रॉक्सी का। तो अगर आपके पास प्रॉक्सी जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी में जो सबसे बेस्ट है वो सॉक्स 5 है। सॉक्स 5 की आप कोई भी प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, सब प्रॉक्सी अच्छी होती हैं। जो हम प्रॉक्सी यूज़ करते हैं वो आईपी डोयल है, और व्यू लेने के लिए जो है हम स्पॉट व्यू लेने के लिए करते हैं वो करते हैं डिचवी सॉक्स। डिचवी सॉक्स भी अच्छी है लेकिन सबसे बेस्ट जो है आईपी रॉयल है। अब आईपी रॉयल के बारे में वीडियोस बनाई हुई हैं आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन मिल जाता है, आपने प्रॉक्सी ऐड कर देनी है यहाँ पे। तो मैं अभी नॉन प्रॉक्सी पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके और ख़ास फीचर। तो और इसमें दोस्तों ख़ास फीचर जो है वो ये है कि आपका जो है वेब आरटीसी जो है इसको अलाउड कर सकते हैं, कैनवास, ये सब कुछ जो है दोस्तों खुद ब खुद अलाउ हो जाते हैं। आप इसको ऑटोमेटिक रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। तो बस आपने क्या करना है, न्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे न्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। बस आपने यहाँ पे प्रॉक्सी लगानी है और यहाँ पे कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ अदर्स। अदर्स पे जैसे क्लिक किया, विंडो 10 सेलेक्ट है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो ये जो है दोस्तों प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। मैं अब स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नया ब्राउज़र क्रिएट होके आएगा। उसमें जो है मेरी जो है सब कुछ डिटेल चेंज होगी। मेरा फिंगरप्रिंट चेंज होगा, उसके बाद जो है मेरा जो है यूज़र एजेंट चेंज होगा, उसके बाद जो है इसकी और भी जो भी ट्रैकिंग की चीज़ें होती हैं, टाइम जोन वगैरह, ये सब कुछ चेंज कर लेगी। तो ये बिल्कुल न्यू होगी, इसमें कोई कुकीज़ वगैरह नहीं होंगी। जो मैंने पहले की थी उसमें थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पे ये इसमें और भी फीचर मिल जाते हैं, प्रॉक्सीज़ वगैरह। आप चाहें तो एकदम से प्रॉक्सीज़ लगा सकते हैं। ये प्रॉक्सी मैंने पहले ऐड की थी, अब ये प्रॉक्सीज़ मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं क्योंकि वो टाइम ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि प्रॉक्सीज़ की लिमिट होती है। उसके बाद जो है बुक मार्क का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सटेंशन का ये कोई खास नहीं है। जो हम तरीकाकार इख्तियार करते हैं बस यही है कि इसकी प्रोफाइल्स क्रिएट करते रहते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करके एक प्रोफाइल से हम एक क्लिक देते हैं, और क्लिक करने का दोस्तों तरीकाकार ये है कि आपने जो है गूगल से सर्च करवा के क्लिक करने हैं, और एक क्लिक को जो है आपने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक एक ऐड को देखना है, तब आपकी जो है अर्निंग सही काउंट होगी। तो दोस्तों ये तरीकाकार है, अगर आप जो है वर्क कर रहे हैं तो इस तरीके से वर्क करें, आपको जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आपके पास पेमेंट रिसीव साइट है तो आपने इन चीज़ों को नोट करके वर्क करना है, और उम्मीद करते हैं आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। किसी तरह का मसला हो तो कमेंट कीजिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।